हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमारा मीठा खाने का मन करता है, लेकिन आजकल की परिस्थिति में हम बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है हम लोग को। तो आइए सीखें घर में बैठे बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप देसी घी ली है, ज्यादा घी का इसमें यूज नहीं होगा। तो 1/4 कप देसी घी ली है, उसमें फिर हम लेंगे 1 कप बेसन। तो यहाँ पे आपने सही समझा है, मैं यहाँ पे बेसन का लड्डू बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बेसन सबके घर में इजिली अवेलेबल होता है। तो ये देखिए, इसे लो फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। आपको अभी शुरुआत में लग रहा होगा कि घी काफी कम है, लेकिन जैसे ही जैसे हम इसे भूनते जाएंगे, घी अपने आप रिलीज होने लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको इसे एकदम लो फ्लेम पे ही भूनना है, लगातार चलाते हुए। ये देखिए, अब 10 मिनट हो गया है, ये कैसे बेसन थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। तो 10 मिनट के बाद हम इसमें 1 चम्मच देसी घी और ऐड कर देंगे। एकदम से ज्यादा देसी घी हमें नहीं ऐड करनी है, इससे क्या होगा कि तुरंत ही ये घी फिर से रिलीज करने लगेगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी ऐड की, तुरंत बेसन जो है वो घी छोड़ने लगा है। बस आपको इसमें ये ध्यान देना है कि लो फ्लेम पे लगातार चला तो इसे भूनना है। ये देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन हमें इसका थोड़ा और डार्क कलर चाहिए। जैसे ही जैसे हम इसे चलाते जा रहे हैं, ये घी अपने आप छोड़ने लगा है बेसन। तो ये इंडिकेशन है कि हम सही डायरेक्शन में रेसिपी को बना रहे हैं। ये देखिए कलर इसका एकदम अच्छा आ गया है, एकदम अच्छा, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। जब बेसन आधे से ज्यादा भून चुका है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम। अब फिर हम लगातार इसको चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहें कि नीचे से बेसन ना लगे। फ्लेम एकदम लो है, तो यहाँ पे मुझे बेसन को भूनते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये एकदम सही कलर है, एकदम ऐसा ही कलर चाहिए, तब बेसन के लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट है कलर। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको एक थाली में मैंने शिफ्ट कर लिया है। और अभी हम इसमें चीनी नहीं ऐड करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड की है, और जब हम इसको टच कर सकते हैं, ये देखिए अब हम इसमें चीनी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी का यूज किया है 1/2 कप, ज्यादा चीनी का यूज नहीं करना है हमें। तो देखिए, जब घी कम लगती है तो चीनी का भी कम ही यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप देसी घी लिया था, प्लस 1 टेबलस्पून और लिया था देसी घी, और 1/2 कप पिसी हुई चीनी है, 1 कप बेसन है। ये रेशियो आप याद रखें तो आपका एकदम परफेक्ट बेसन का लड्डू बनेगा। ये देखिए, चीनी अच्छे से मिक्स कर दी है मैंने, और अब हम इसके लड्डू बांध के रेडी करेंगे। बहुत ही इजीली लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं ये। तो अक्सर खाना खाने के बाद हमारा मीठा खाने का मन करता है, तो घर में ही आप झटपट लड्डू बना के रख सकते हैं। ये देखिए कितने इजीली लड्डू बन जाते हैं ये। तो आपने अगर चीनी कम यूज की है तो घी भी आपको कम ही यूज करनी पड़ेगी, और ये रेशियो एकदम परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो ऐसे एक एक करके हम लड्डू सारे बना के तैयार कर लेंगे। बस आपको ये देखना है, एकदम गर्म मिश्रण में आपको पिसी हुई चीनी का यूज नहीं करना है। जब मिश्रण एकदम हल्का गर्म हो, तब आप इसमें पिसी हुई चीनी का यूज करें। तो ऐसे ही एक एक करके हम सारे लड्डुओं को बांध के रेडी कर लेंगे। अभी ये हल्का गर्म ही है मिश्रण पूरा। ये देखिए कितने सुंदर लड्डू बन के रेडी हो रहे हैं। इसको एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं, और 20 दिन तक ये खराब नहीं होते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, जल्दी बनने वाले बेसन के लड्डू। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।